तुम मुझे अब डांटोगे तो नहीं ना? क्यों? वीडियो देखो बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, इट्स डीसी हियर बैक विद अनदर गेम प्ले वीडियो एंड दिस टाइम इट्स 12140 सेवाग्राम एक्सप्रेस। तो और बताओ यार, कैसे हो सभी? और तुम सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस कैसी लगी? बढ़िया लगी ना? हाँ यार, तुम लोगों ने रिस्पॉन्स किया, गजब दिया है वीडियो पे। सो थैंक यू ऑल सो मच। मुझे पता है यार, मैंने अभी ना बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं किया, मतलब ऑलमोस्ट निल। तो मैं उन कमेंट्स का जल्दी रिप्लाई करूंगा जो भी तुमने छोड़ी है गरीब रथ एक्सप्रेस पे। यार एक्चुअली क्या है ना गाइस, अभी मेरा वर्क शेड्यूल थोड़ा हैवी है। और देखो, मैं क्या है, सेवाग्राम एक्सप्रेस के साथ ये थाने रेलवे स्टेशन के पास पहुँच रहा था। मतलब अभी मैं आउटर पे हूँ, ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका हूँ, और यहाँ पे मुझे किसी मालगाड़ी ने जो है क्रॉस कर दिया है। सो गाइस देखो यार, जो हमारी सेवाग्राम एक्सप्रेस है ना, मतलब आज का मैं तुम सभी को सीन बताता हूँ। जो हमारी सेवाग्राम एक्सप्रेस है वो नागपुर की तरफ से आ रही थी, बहुत ही दमदार स्पीड में आ रही है हमारी ट्रेन। और थाने रेलवे स्टेशन के पास जैसे ये पहुँचने वाली थी, इसकी लोको पायलट ने क्या कहा, यार देवान जी हम ना थोड़ा घूम के आते हैं, हम यहाँ पे उतर जा रहे हैं, हम थोड़ा मुंबई मेरी जान में घूम लें, आप इतनी इस ट्रेन को लेके जाओ। कहाँ? मुंबई की तरफ। मुंबई की तरफ कहाँ? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ। तो चलो, आज का जो हमारा सफ़र है वो थाने से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर रहेगा। बट भाई, तुम अभी ट्रैक साउंड सुनो। ये गाइस मैंने ही गेम में डाली हैं, आई होप तुम सभी को मज़ा आएगा। यार एक्चुअली क्या है ना, आज की हमारी थोड़ी सी क्रूसिंग ज़्यादा रहेगी, क्रूसिंग इन द सेंस क्रॉल करेगी हमारी ट्रेन। क्या बात है यार, 40 की स्पीड पर थाने पर एंट्री। वैसे गाइस रियल में भी आई थिंक जो मुंबई के ऐसे स्टेशंस होते हैं ना, जैसे थाने हो गया, आपका दादर हो गया, यहाँ पर जो ट्रेन्स होती हैं वो 40 की 50 स्पीड पे ही एंट्री करती हैं मेन लाइन पे भी। ऑब्वियसली यार, लूप लाइन पे अगर प्लेटफॉर्म है तो उस पर कहाँ से तुम 40-50 पे भाग जाओगे। एक तो गाइस पता है आज की वीडियो की सबसे बड़ा इशू क्या है? मेरी मेहनत। हाँ, आज की वीडियो में भी रहने वाली है। वैसे यार एक चीज़ नोटिस करो, मैं आप जितनी भी वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ उसमें मेरी कुछ ज़्यादा ही मेहनत नहीं हो रही है। एस आज पता है किस बात की मेहनत है? तुम अभी देखना, मेहनत की छोटी सी झलक दिखाता तुम लोगों को। एक तो यार आज ना सेवाग्राम को मैंने क्या ही लिंक दिया है, तुम लोग देख के कहोगे भाई ऐसे ऑफ लिंक बंद दिया करो, हमारा हार्ट फेल हो जाता है। देखो टाटा शर्ट का वैप 7। अब यार सिग्नल जो है थोड़ा सा पास आ रहा है तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ ब्रेक्स। अरे यार थाने रेलवे स्टेशन की यार इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट जो भी है कौन संभाल रहा है यार, इतनी गर्मी हो रही है और पंखे बंद कर रखे हैं। वो कौन सा स्टेशन था यार जो मैंने उसमें क्रॉस किया था, वो एक पैसेंजर की वीडियो बनाई थी ना हमने, शायद विरार से वलसाड़ पैसेंजर की, उसमें वो सोचो छोटे से स्टेशन पे पंखे चल रहे थे और यहाँ पे पंखे बंद कर रखे। यार ऐसी हरकत मत करो। ओ भाई तुम ब्रेक साउंड सुनो यार, चलो यहाँ पे अब ब्रेक लगा देते हैं। वैप 7 भाई रोक ले यार। एक तो एयर प्रेशर की साउंड जब जब निकाल रहे हैं ना, मेरे को वो भवनगर का किनारा की याद आ रही है, जिसमें वो हमारा गाइस याद होगा एक प्रबल लोकोमोटिव, प्रबल था ना, उसमें खराबी आ गई थी। भाई तेरे में नहीं आने चाहिए क्योंकि तू सिर्फ सोलो इसको देख रहा है, संभाल रहा है सेवाग्राम को, तुझे तो मैं सही भी नहीं कर पाऊंगा, उसको तो मैंने कर भी दिया था। तो चलो गाइस मेरी ट्रेन को यार मैंने थाने स्टेशन पे लगा दिया है, तो मैं एक काम करता हूँ अब इसके डोर ओपन कर देते हैं। यार SLR का ओपन हो गया, पीछे के हुए हैं क्या? नहीं यार, पैसेंजर्स को अभी भी मैंने बंद कर रखा है। चलो बाहर निकलो भाई, जो भी है ट्रेन के अंदर उतरो। कोई भी नहीं है यार, खाली चल रही है। ओ भाई कोई भी नहीं है। हाँ अच्छा, मैं बताऊँ अपनी ट्रेन के पैसेंजर कहाँ हैं? अपनी ट्रेन के पैसेंजर आराम से अपने फ़ोन में ये वीडियो देख रहे हैं, हमसे पूछो। यार देखो थाने स्टेशन पर गाइस थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, और यहाँ पे 12811 LTD HTE हतिया 11 घंटा रीशेड्यूल। ओ भाई सोचो गाइस 11 घंटा ये ट्रेन रीशेड्यूल हो रखी है। भाई ऐसी क्या यार सीन हो गया होगा जो 11 घंटा ट्रेन को तुम लोगों ने लेट करवा रखा है। भाई मुझे पता चले ना कि मेरी ट्रेन जिस स्टेशन से निकलने वाली है, जिस स्टेशन से मेरा ट्रिप शुरू होने वाला है, वहीं से 11 घंटा लेट है, मैं भाई वहीं पे अपना ट्रिप कैंसिल कर दूं। वैसे गाइस ट्रिप से यार एक चीज माइंड में आ रही है। हाँ तुम लोग सही सोच रहे होगे, वो मैं बताऊंगा वीडियो के मतलब थ्रू आउट द वीडियो तुम लोगों को बताता हूँ। अभी भी यार 1.5 मिनट का स्टॉप है, चलो 1.5 मिनट लगा ही लेते हैं, अपना CR का आज का रन रहने वाला है। गाइस देखो तुम लोगों को मैंने बताया था, अपने जो रमेश महाजन जी है ना इस रूट के क्रिएटर, वैसे उनका घर भी यार थाने रेलवे स्टेशन में है, और अपने महाजन जी की हमको याद भी थाने में ही आई है। क्या बात है। तो गुरु पता नहीं कौन सी इन बड़ी इसी बिल्डिंग में अभी बैठे होगे, बट मिसल पाव अभी भी याद है मेरे को। तुम लोगों का पता होगा मैं रिसेंटली तो नहीं, बहुत टाइम पहले मुंबई गया था, तो भाई मुंबई की सबसे बेस्ट चीज जो थी वो थी मिसल पाव, और उस ट्रिप के बाद मुझे कहीं भी खाने नहीं मिली है, वो उस चीज का अभी तक मुझे रिग्रेट है। तो चलो मुंबई भी अभी जल्दी देखते हैं। बट खैर तुम तो यहाँ देखो यार, वैक 7 के साथ ये मालगाड़ी आ रही है, और वैक 7 में ये लोकल ट्रेन का हॉर्न कैसे बज रहा है? नहीं यार इसका हॉर्न तो अलग है। ओ भाई अच्छा तुम भी है यहाँ पे। बस ये देखो यार, कौन सी थाने से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए कोई फास्ट लोकल। इसे क्या बात है यार, ट्रैफिक देख रहे हो गाइस, यहाँ पर तो ट्रैफिक लगा पड़ा है अच्छे से। मतलब देखो यहाँ से ये लोकल ट्रेन निकल रही है और उसके साइड में से मालगाड़ी जा रही है,
चलो ये अच्छा, मालगाड़ी यहाँ पे स्टॉप तो लेगी नहीं, थाने स्टेशन पे कैसे ही रोक लेंगे यार मालगाड़ी को, अनलेस ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा है। देख रहे हो वीडियो की शुरुआत में क्या शानदार तुम लोगों को मैंने ट्रैफिक दिखाया है, तो बताना जरूर वीडियो के एंडिंग में कि ये वीडियो कैसी लगी। वैसे गाइस एक चीज और, ये पता है वीडियो आज की अनएक्सपेक्टेड है, एस मैं जो अभी नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करने वाला था वो रेलवर्क्स की होने वाली थी, एस मेरा अभी दो वीडियोस का कंटेंट पूरा रेडी कर दिया मैंने, और यही वजह यार जो मेरी 21 को मैंने कहा था तुम लोगों से यार कि मैं 21 को वीडियो पब्लिश करूंगा, बट यार 21 को मैं कर नहीं पाया, क्यों, क्योंकि 19 को ना मैंने अपनी लिमिट्स को थोड़ा पुश कर दिया था, मैंने अपनी नींद नहीं ली थी, और उस नींद ना लेने की वजह थी मेरी सेवाग्राम एक्सप्रेस, मैंने इस एक्टिविटी को पता है एक दिन में पूरा कंप्लीट कर दिया, पर ये चीज़ पता नहीं मैंने कितने टाइम बाद करी है, महीने या साल बाद, कि मैंने एक दिन लेके पूरी एक्टिविटी को फिनिश कर दिया, बट है कोई नहीं, अभी भी ये मत सोचना कि भाई हफ्ते में 7 वीडियो आएंगी 6 वीडियो होंगे, नहीं, बट गाइस स्टिल यार मैं वीक में सिर्फ 2 वीडियोज ही पब्लिश कर सकता हूँ। अच्छा ये देखो, यहाँ से 12811 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हटिया के लिए जो ट्रेन चलती है उसको यहाँ से निकलने का जो है सिग्नल दे दिया गया, तो वो यहाँ से जा चुकी है। यार एक मिनट, इससे पहले आया था यार मैं और मुझे अभी तक सिग्नल नहीं मिला है, बताओ, ये अपने गार्ड साहब का कुछ, गार्ड साहब भी नहीं दिख रहे यार, चलो पूरा ओवरऑल हम ही संभालते हैं यार इस गेम में सब कुछ, पैसेंजर्स की ड्यूटी यार तुम लोग देख लेते हो, बाकी ट्रेन को ऑपरेट करने की गार्ड साहब तो सब हम ही है भाई। अच्छा ये आप देख पा रहे होगे कोई और लोकल ट्रेन ने यहाँ से डिपार्चर लिया, यार और कब तक रोकोगे यार मेरे को यहाँ पे थाने रेलवे स्टेशन पे। वैसे देखो यार क्या शानदार लग रहा है अपने मॉडल्स, अपने बीजी प्रोडक्शन के आई से, वैसे गाइस कितना रियलिस्टिक नहीं लग रहा जब मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म पर, क्या बात है यार, देख रहे हो क्या रियलिस्टिक वाइब्स आ रही, हद से ज्यादा रियलिस्टिक है भाई अपना गेम आज के टाइम पे। एंड गाइस आज का जो है ना वीडियो में सब कुछ नया रहने वाला है, मतलब आपको याद होगा मैंने अभी तक कोई भी किसी भी वीडियो में थाने से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में ट्रेवल नहीं किया था, खांडेश रूट में और किसी रूट में है यार, ये एक मुंबई 2011 में है, बट तुम्हें पता चल गया होगा अगर मुंबई के आगे 2011 लिखा है तो वो रूट कब के टाइम का होगा, और ये रूट अभी के टाइम का है, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि इस रूट में और उस रूट में कितना फर्क हो सकता है। बट यार वो सब तो ठीक है, मुझे यहाँ पे और कितनी देर रुकवाने का इरादा है भाई ओपन रेल्स आगे का है, ट्रैक स्विच तो कर दिया है। अच्छा ट्रैक स्विच मेरा राइट हैंड साइड को क्यों रखा होगा, अच्छा याद आया यार गाइस एक्चुअली क्या है ना, देखो अभी हम थाने रेलवे स्टेशन पे और ये जो ट्रैक देख रहे हो जिस ट्रेन पे मेरी ट्रेन लगी हुई है, ये ट्रैक जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक यूज़ किया जाता है, मतलब जितनी भी LTT से थाने के लिए ट्रेन होती हैं उनके लिए दो अलग ट्रैक है जिस पे अभी हम खड़े हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए जाने के लिए ये राइट हैंड साइड के दो ट्रैक्स को यूज़ किया जाता है, मतलब इस वाले को नहीं, इसके भी राइट हैंड साइड वाले जो दो हैं उनको। अच्छा यहाँ देखो यार क्या शानदार यहाँ पे लोकल ट्रेन अराइव कर रही है, मैं काम करता हूँ यार, इतने टाइम से हम थाने स्टेशन पर अगर खड़े ही हैं तो उसका थोड़ा व्यू अच्छे से एंजॉय करते हैं, हट्स को ऑन करके क्या करेंगे। ओ भाई ये देखो यार कौन सी है, ये 222222। ओ भाई ट्रैफिक देखो भाई, यहाँ मुझे राजधानी ओवरटेक करके जा रही है और इधर 12534 पुष्पक एक्सप्रेस लेट रनिंग, यार आज बहुत सारी ट्रेन लेट चल रही है। वैसे गाइस देखो यार क्या बात है, यहाँ अपनी ये सेवाग्राम खड़ी है और यहाँ से मुझे ये आपली राजधानी ने ओवरटेक कर दिया है। अच्छा तुम लोग सोच रहे होगे आपली राजधानी कौन सी राजधानी है, गाइस जो निजामुद्दीन से CSMT के लिए CR राजधानी एक्सप्रेस चलती है ना उसको जो है आपली राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, आपली मुझे लगता है हमारी राजधानी, राजधानी तो तुम्हें पता है आपली के बारे में हमारा आई थिंक कौन सी, हाँ यार नहीं भाई महाराष्ट्र की लैंग्वेज कौन सी होती थी यार मैं यही भूल गया, बताओ यार तुम्हें लैंग्वेज के बारे में याद नहीं रहा, मराठी, हाँ यार तो गाइस मराठी में जहाँ तक है आपली को हमारा कहते हैं, बट खैर अगर मैं गलत हूँ तो तुम लोग मुझे वीडियो में सही कर सकते हो, आज तो मुझे लग रहा है महाराष्ट्र वाली अपनी टोली आने वाली है भाई वीडियो पे कि भाई क्या बात है जो सफर करवाया तुमने। हो गाइस यार सिग्नल मिलेगा क्या, ओपन हिल्स काफी टाइम हो गया है, आई थिंक 10 मिनट हो गए ऑलमोस्ट, अगर 10 मिनट भी नहीं तो 6-7 मिनट तो मैं लिख के दे रहा हूँ हो चुके होंगे। भाई देखिए यार इतना वेट मत करवा, मुझे यहाँ से जाना भी है, मुझे फिर रेलवर्क्स में भी ट्रेन को ऑपरेट करना है, बहुत सारा काम करना है भाई मेरे को अभी, तो छोड़ दे भाई बच्चे की जान लेगा क्या। एक तो गाइस मेरा नेक्स्ट स्टॉप है दादर, यार एक चीज तुम लोगों ने नोटिस करी, देखो तुम लोगों ने अभी देखा होगा एक लोकल ट्रेन गई थी कहाँ से, थाने से CSMT के लिए फास्ट लोकल जो कि हमारी ट्रैक पर चलने वाली है, उसके पीछे कौन सी ट्रेन को लगवाया गया है, राजधानी को। बट यार राजधानी को चलो हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे कि उसको क्यों निकलवा दिया, उसकी तो प्रायोरिटी सबको ही पता है कैसी होती है, अलग लेवल गॉड लेवल, तो चलो उसको ओवरटेक मिल गया वो तो ठीक है, बट भाई आज भी ना मेरी ट्रेन का भले सैंडविच ना बनाओ बट ब्रेड बन चुका है, सैंडविच तो भाई राजधानी बन गई है, मतलब ओवरऑल गाइस यार तुम लोग ना बस हरकत देखो भाई। 222 कौन सी 538 कुशीनगर एक्सप्रेस, गाइस यार ये कहाँ से कहाँ जाती है ये मेरे माइंड में अभी ध्यान में नहीं है, ये तुम लोग बता सकते हो वीडियो में ताकि मुझे याद रहे आगे आने वाली वीडियोस में, बट ये भी 11 घंटा रीशेड्यूल। चलो यहाँ पे सिग्नल मिल चुका है तो अच्छे लोगों पायलट की तरह बिल्कुल भी टाइम ना लगा के समोसा नहीं खरीदने जाएंगे,
डोंट वरी, मैं पेप्सी भी नहीं खरीदूंगा। अपनी सेवाग्राम एक्सप्रेस का एक हॉर्न हमने बजा दिया है, 5-10 सेकंड रुकते हैं और बजाओ भाई वैप सेवन, दूसरा भी बजाओ और निकलो यार यहाँ से, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। गाइस एक्चुअली पता क्या हुआ होगा, देखो राजधानी मुझे ओवरटेक करके तो चली गई, अब एक काम करते गाइस अपने आ जाते हैं पैसेंजर व्यू में पहले। देखो राजधानी मुझे ओवरटेक करके चली गई, बट इशू क्या हुआ, कुशीनगर ने अभी यहाँ पे आउटर पे ना एंट्री मार दी होगी, जिसकी वजह से इसको सिग्नल मिल गया। मे बी भाई कंट्रोलर ने ऐसा सोचा हो, जब तक ये राजधानी मुझे ओवरटेक मारेगी कुशीनगर अपना आगमन कर देगी, या प्रस्थान नहीं यार आगमन हुआ, आगमन कर देगी थाने पे, बट इसने थोड़ा सा टाइम लगा दिया जिसकी वजह से फिर मुझे भी रुकना पड़ा। गाइस देखो यार इशू क्या हो गया, लोकमान्य तिलक टर्मिनस के आसपास या LTT के नियर पे मे बी कोई एक्सीडेंट हो चुका होगा, जिसकी वजह से ट्रेन जो है आजकल लेट चल रही है, आजकल नहीं मतलब आज के दिन। और इस गेम में रियल लाइफ से मेरी वीडियो का कोई भी कनेक्शन नहीं है। LTT पे गाइस कोई एक्सीडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से ट्रेन लेट चल रही है। अच्छा, जब भी मुझे 2 ट्रेन तुम लोगों ने देखा 11 घंटे रीशेड्यूल हो रखी हैं, और कंट्रोलर की तरफ से अब मुझे नहीं पता किसकी तरफ से ये मैसेज भी आया है कि कुछ ट्रेन जिनकी रेक है वो LTT की तरफ अभी मूव कर रही हैं। मे बी गाइस जो भी इंसिडेंट हुआ हो वो उसकी केयर अब कर दी गई होगी, सब कुछ गाइस अब ठीक हो गया होगा। तो भाई अब मूवमेंट शुरू हो चुकी है LTT लाइन पर, और कुछ ट्रेन को जैसा कि उसमें लिखा था LTT पर टर्मिनेट किया गया। भाई टर्मिनेट किया गया वो छोड़ो, यहाँ पे देखो यार क्या डेंजरस अपनी ट्रेन ने मतलब टर्न लिए हैं, स्विचेस देख रहे थे कितने डेंजर थे इस पे। भाई मैं स्पीड एक काम करता हूँ पूरी रिड्यूस कर देता हूँ, देख रहे हो यार कायदे में मुझे यहाँ से 20 के अराउंड छोड़ो 10 के अराउंड यहाँ से निकलना चाहिए, मतलब पूरा जो मेरा बफर है ना ट्रेन का वो पूरा बाहर आ रहा है, देखो अलग ही लेवल भाई। बट क्या बात है यार, सीन कितना प्यारा है। अपने महाजन जी से बोल के यार इनको ना कर्व को थोड़ा कम करवाएंगे, वरना यहाँ तो भाई असली में तुम चाहे छोड़ो पूरा इंसान बाहर निकल रहा है ट्रेन से, अगर मैं इस स्पीड से निकाल रहा हूँ अपनी ट्रेन को। तो चलो बाय बाय करते हैं थाने रेलवे स्टेशन को, ऑलमोस्ट कर ही दिया यार पूरा मेरा लास्ट कोच तो थाने से बाहर आ ही चुका है। अपनी दादर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 21 किलोमीटर। भाई देखो 21 किलोमीटर भले ही है, अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं 20 मिनट पर दादर लगा दूंगा, क्योंकि रन में एक बार के लिए अच्छा रख सकता हूँ, मुझे सिग्नल्स दिख रहे हैं, बट आगे मेरे तुम्हें भी पता है एक लोकल ट्रेन चल रही है और उसके पीछे है राजधानी, तो लोकल की वजह से राजधानी को भी सफर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें भी सफर करना पड़ेगा। चलो यार पहले तो सेवाग्राम को ना मैं मेन लाइन पर लगाता हूँ। तो चलो भाई मेन लाइन पर अपनी ट्रेन आ चुकी है वेब सेवन, तुझे अब देंगे हम 60% थ्रॉटल पावर, क्या क्या कहते हैं 75, चल यार 75 ले लेते। ऐसे कैसे देखो 4 किलोमीटर का मेरा पूरा जो है ट्रैक क्लियरेंस है, मेरे सिग्नल्स भी क्लियर है, तो मैं 4 किलोमीटर जा सकता हूँ। तो अब एक काम करते हैं अब आ जाते हैं अपने पैसेंजर व्यू पे, बट यार इधर रहेंगे तो मेरे LTD लाइंस का ना ट्रैफिक जो है मिस हो जाएगा, क्या कहते हो थोड़ा सा एक्सटीरियर व्यू पे चलें। चलो तुम्हारी भी बात मानते हैं, इधर आते हैं। वैसे कैसे आज के ना यार सीनरी देखना, SCR सेक्शन सभी को पता होगा, अपने महाजन जी जो है अपडेट कर रहे थे, जो CSMT से कल्याण का सेक्शन है वो अब हमारे खानेज रूट में ऐड होने वाला है पूरा नया। पहले क्या था सिर्फ कल्याण तक ही था, कल्याण के बाद जितना भी CSMT तक का था हमारे महाजन जी ने जो है ट्रैक वर्क किया, उसके बाद अब सीनरी वर्क शुरू हो चुका है। और भाई तुम लोग देखो बस सीनरी वर्क देखो, क्या बात है मेरी जान। अभी तुम भी कहोगे हाँ भाई ऐसा लगा था कि जैसे हम ट्रेन में बैठे हों यार। और आज तो भाई तुम लोग ना हॉन्किंग देख, ऐसी हॉन्क कर करके हम जाने वाले हैं अभी राइट नाउ माटुंगा रेलवे स्टेशन को। गाइस हमारी नहीं माटुंगा कहाँ से आ जाएगा भाई, मुलुंड आ रखा है अभी। तो चलो गाइस मुलुंड रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते हैं, अराउंड 60 की स्पीड पे हमारी ट्रेन ने इस रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया है, ये अच्छी बात है मुझे सिग्नल्स यहाँ पे मिले हुए हैं अच्छे से। तो चल भाई वेब सेवन थोड़ी सी यार स्पीड और बढ़ा यहाँ पे, दादर अपना कितना है 19 किलोमीटर और सिग्नल क्लियरेंस यार 4 किलोमीटर के बाद मिल ही नहीं पा रही है गाइस, यार यही दिक्कत है आज की वीडियो में पता है। चलो थोड़ा सा कैब व्यू में भी आ जाते हैं, वरना भाई कहेंगे यार भाई आज तो तुम कैब व्यू में बिल्कुल ही नहीं गए, जब से मेरी वीडियो स्टार्ट हुई है मैं कैब व्यू में बहुत कम गया हूँ। देखो यार इशू क्या है ना, हमारा थाने से CSMT पूरा सबर्बन सेक्शन है, तो मैं कहूँगा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार, जिसकी वजह से कंट्रोलर को भी ना अलग ही लेवल गुस्सा होगा। बट खैर यार रियल लाइफ में तो उनका कितना वर्क रहता होगा, हमारे गेम में सोचो इतनी सी ट्रेन से रियल में तो कितनी ट्रेन होती हैं इस साइड पर। अच्छा गाइस एक चीज़ देखो, अभी लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे हो ये 12620 मत्स्यगंधा, अच्छा मत्स्यगंधा एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी रेक यार ये आपके उधर जा रही है LTT की तरफ, क्या बात है यार। नाहौर, ये नाहौर था क्या, हाँ यार नाहौर रेलवे स्टेशन, मैंने सोचा गाइस मैं गलत स्पेल कर रहा हूँ। अरे यार गाइस अपनी ट्रेन ना 100 के ऊपर जा रही है, मैं यहाँ पे स्पीड रिड्यूस कर लेता हूँ। 11085 LTT माओ आपकी लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मडगांव के लिए चलने वाली
डबल डेकर एक्सप्रेस, क्या बात है यार। और गाइस उसके तो लोगो क्या छगिंग कर रहे हैं, मतलब एल्को ने तो मचा दिया यार। अच्छा जहाँ तक है ना, ओ भाई ये भी 5-6 घंटा लेट चल रही है। अपनी स्पीड क्या है, 103। चलो अब थ्रॉटल पावर को रख देते हैं 10% पे। एज गाइस वेब 7 है, इजीली अपनी ट्रेन को पुल कर सकता है। और मैं 10% यार इसलिए भी रख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा ना करूं कि मैं रेड सिग्नल तक बहुत ही पास चला जाऊं और मेरा क्लियरेंस बहुत कम हो जाए। फिर वही है भाई, तुम लोगों को ना मेरे को ऐसी दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या बताऊं। वैसे ये रेलवे स्टेशन कौन सा था? गाइस राइट नाउ जो अपनी ट्रेन है उसने भंडुप रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया और मैं हॉर्न करना भूल गया था यार। भाई मुंबई में तुम्हारी ट्रेन चल रही है तो हॉर्न करना मत भूलो, वहाँ तो सबसे ज़्यादा हॉर्न करना चाहिए तुम्हें। और गाइस एक चीज़ देखो, अभी लेफ्ट साइड में देखो, अभी एक ट्रेन को हम पैरेलली ओवरटेक कर रहे थे और अभी देखो 13201 पटना से लोकमान्य तिलक टर्मिनस चलने वाली जनता एक्सप्रेस थी क्या? अरे यार मैं उसका आखिरी का नेम पढ़ना भूल गया। चलो अभी पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। थ्रॉटल पावर को 30% कर देते हैं। ऐसा 100 या नीचे आ गया मेरी ट्रेन बातों बातों में, मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। वैसे गाइस एक चीज़ देख रहे हो, अभी तक मैंने कितनी ट्रेन को पैरेलली ओवरटेक कर दिया, आई थिंक ये दूसरी थी। अभी तुम आगे देखता हूँ। अच्छा हाँ, तो गाइस जनता एक्सप्रेस को हमने यहाँ पे क्रॉस किया था। ओ भाई वैसे ये स्टेशन कौन सा है? अरे यार आज के ना मैं क्या बताऊँगा गाइस, मेरी मेहनत हद से ज़्यादा हो रही है यार, कंजूर मार। और गाइस पहले तो ना मैं यार अपनी अब ट्रेन को करता हूँ स्लो, क्योंकि मेरे पास 3 सिग्नल हैं आगे जो मुझे क्लियरेंस दे रहे हैं, मतलब 3 भी नहीं 2 मानो, उसके बाद लाल सिग्नल है यार। वेब 7 चल भाई, स्लो होने का टाइम आ गया है। अरे यार क्या बताऊँ गाइस, ये देखो यार, अरे यार इतना प्यारा सीन हो रखा है और उसमें भी ना मेरे को हाई स्पीड क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। मैं तुम लोग को ये लोकल ट्रेन को ओवरटेक करके दिखाता, बट खैर यार मैं ऑलमोस्ट इसको ओवरटेक कर ही रहा हूँ। ओ भाई तुम वो छोड़ो, अब बाहर आते हैं, तुम देखो आज का ट्रैफिक। सो गाइस 18519 लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस। सो गाइस LTT एक्सप्रेस की जो रेक है वो जो है LTT की तरफ जा रही है। अच्छा ये भी थाने पे टर्मिनेट हुई होगी। एंड राइट नाउ जो मेरी ट्रेन है वो कौन से स्टेशन, विक्रोली को क्रॉस करने वाली है। अरे यार सैंडविच बन गया गाइस, अब मैं क्या स्पीड मेंटेन करूँ यार। यहाँ देखो ये यहाँ पे लोकल ट्रेन यहाँ पे अराइव करे। अच्छा हुआ यार इसको यहाँ पे स्टॉप मिल गया, वरना मेरी सेवाग्राम को ओवरटेक करके चली जाती यार ये। और ऐसा रन भी नहीं चाहिए भाई मुझे कि मेरे को लोकल ट्रेन ओवरटेक करके जा रही हैं। वैसे क्या अब देखना यार, एस ज़्यादातर मेरा क्रॉलिंग रहेगा तो तुम ट्रैक साउंड्स को एंजॉय करना। ये ट्रैक साउंड मैंने न्यू ऐड कर दिया इस गेम में। एक तो गाइस आज का ना अपना वेब 7 का हॉर्न भाई क्या शानदार है। बाय बाय LTT एक्सप्रेस विक्रोली को। गाइस मुझे नहीं लगा था कि मैं 60 के अराउंड क्रॉस कर पाऊंगा, बट चलो कोई बात नहीं। अरे यार ये कौन सी ट्रेन आ गई? एक तो ना गाइस आज ना वीडियो के हर भाई दूसरे मिनट में कोई ट्रेन है। 01031 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मालदा टाउन के लिए चलने वाली स्पेशल समर एक्सप्रेस। गाइस सच में बोल रहा हूँ यार मैं थक चुका हूँ, आज की वीडियो में हद से ज़्यादा मेहनत हो रही है यार। यार एक मिनट भी मुझे चैन नहीं मिल रहा है। तुम देखो कोई ट्रेन आ जा रही है, यहाँ पीछे वो देखो लोकल ट्रेन फिर से भाई शुरू हो चुकी है, मुझे मारने के लिए आ रही है यार कि मेरे पास ओवरटेक करके जाएगी यार। ओ भाई गाइस मैंने ना यार राइट हैंड साइड का ना जो पैसेंजर व्यू है वो गलत ही लगाया है। तुम लोग इधर देखो 15017। ओ भाई अरे यार एक और ट्रेन आ गई है भाई, हो क्या रहा है? अच्छा 15017 काशी रीशेड्यूल्ड, ये तो मेरी तरफ आ ही रही थी, तो मैं किस ट्रेन को ओवरटेक कर रहा हूँ भाई? गाइस कसम से कह रहा हूँ मेरा यार दिमाग ना काम करना बंद कर दिया है। 11062 पवन एक्सप्रेस एम्प्टी रेक। अच्छा पवन एक्सप्रेस जो चलती है उसकी एम्प्टी रेक चल रही है, ये भी आपकी LTT तक जाती है और इसका टर्मिनेट हो चुका था थाने पर। अभी जो है सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आई होगी, तो भाई ये सारी रेक जो है ना एक एक करके LTT की तरफ जा रही हैं। बताओ यार आज मेरी ट्रेन ने 4 ट्रेन ओवरटेक कर दी हैं पैरेलली। गाइस ऐसे सीन, ओ भाई नहीं यार लोकल ट्रेन मत कर यार ऐसा। गाइस तुम लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यार, मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को इतना बढ़िया सीन दिखा रहा हूँ और लोकल ट्रेन तुझे बिल्कुल चैन नहीं है, उस बीच में तुझे मुझे ओवरटेक करके जाना ही है। गाइस घाट को ऊपर रेलवे स्टेशन को मैं यहाँ पे क्रॉस करने वाला हूँ और यहाँ पे फिर से मुझे किसी EMU ट्रेन ने जो है क्रॉस किया। दादर अपना 10 किलोमीटर बाकी है, तो चलो इसको तो यार नॉन स्टॉप हॉर्न करके क्रॉस कर देते हैं। चलो मतलब देख रहे हो यार ये लोकल ट्रेन को घाट कोपर पे स्टॉप लेना है, बट फिर भी वो रुक नहीं रही है। मेरे साथ ऐसे चलती जा रही है ना, उसका लोको पायलट तो नहीं, उसके तो मोटरमैन हुआ। अच्छा ये आप देख पा रहे होगे अपने राइट हैंड साइड में देखो, ये एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है। जैसे कि हमें बताया गया था कि LTT के आसपास जो है
कुछ एक्सीडेंट की वजह से जो ट्रेन्स हैं मतलब ऑपरेट नहीं हो रही हैं वो, तो यहाँ पे जो है एक्सीडेंट रिलीफ जो है कोचेज होते हैं ना उनको लाके खड़ा करवा दिया होगा। मे बी कुछ कैजुअलिटीज हुई हो, वी डोंट नो। बट गाइस राइट नाउ जो अपनी ट्रेन है वो विद्या विहार रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है। हमारा तो खैर वो स्टॉप नहीं है, इधर आपका राइट हैंड साइड में है ये प्लेटफॉर्म। अच्छा ये देखो यार लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ट्रैक्स देख रहे हो ये जो जा रही हैं ये जाती हैं आपकी लोकमान्य तिलक टर्मिनस की तरफ, और वहाँ से कोई ट्रेन निकल रही है यार 11055 गोदान एक्सप्रेस, स्लाइटली लेट। अच्छा जो आपकी गोदान एक्सप्रेस चलती है गाइस वो भी थोड़ा सा लेट चल रही है, LTT से अभी निकल रही है बताओ। बट खैर यार सोचो जो ट्रेन 11 घंटे पहले चल रही है वो अभी निकल रही है, हम इसकी क्या बात कर रहे हैं। और पीछे की साइड अगर तुम लोग देखोगे तो गाइस जो LTT का ETS है मतलब इलेक्ट्रिक ट्रिप शेड, अब मुझे नहीं पता वो सभी लोकोस के लिए है या सिर्फ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए होगा, बट अपने को भाई दूर में बस वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देख रहे थे। अब तुम लोग कह रहे होगे भाई यार तुमने हमें वो थोड़ा पास से क्यों नहीं दिखाए, अब यार मैं अपनी ट्रेन को छोड़ के उनके पास तो नहीं जा सकता ना। अरे देखो मेरा आगे रेड सिग्नल है तो मुझे इस पर भी रोकना पड़ेगा। अरे यार तेरा हाई स्पीड ना थोड़ा ज़्यादा हो गया, राजधानी यार इतना स्लो रन भी मत दे यार कि मुझे ट्रेन को अपने बाहर रोकना पड़ जाए। अरे यार बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कम हो रहा है, अरे यार इसकी तो ऐसी की तैसी भाई। तुम बताओ यार मैं अपनी ट्रेन को इतना स्लो कर चुका था, 20 की स्पीड मैंने मेंटेन कर दी है और अब जाके ये सिग्नल एकदम से येलो हो गया, मतलब मजे ले रहे हैं भाई ये ओपन रेल सास। तो कहते हैं भाई अगर मैं तुझे ट्रॉल नहीं कर सकता, मैं तुझे अच्छा रन नहीं दूंगा तो मैं तुझे सिग्नल्स के साथ मस्ती करूंगा। तुम देखो जैसे ही मेरा रेड सिग्नल की मैं ऑलमोस्ट क्लोज पहुंचा ना मैंने ब्रेक्स लगाने शुरू कर दिए तभी भाई वो रेड से येलो हो चुका। अरे यार नहीं गाइस देखो यार आज तो ना मतलब चूहा बिल्ली वाली रेस हो रखी है अपनी, ये टूवर्ड CSMT स्लो फिर से मुझे ओवरटेक करने के लिए आ चुकी है। गाइस पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज की, 7 किलोमीटर अभी भी मेरा डिस्टेंस बाकी है दादर का और मेरा ट्रैक मॉनिटर में सिर्फ 2 किलोमीटर का मेरा सिग्नल क्लियरेंस है। बस भूल जाओ भाई, मुझे लग रहा है कि आज ना मुझे कहीं ना कहीं ओपन रेल्स बाहर ही रुकवाएगा वो यार, लोकल ट्रेन को ना बेकार ही छुड़वा दिया इन लोगों ने। इससे अच्छा तो यार मैं और पहले आके ना थाने से निकल जाता तो ही बढ़िया था। एंड गाइस राइट नाउ जो अपनी ट्रेन है वो कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास पहुँच रही है। वैसे गाइस एक चीज़ बताना, अगर तुम जैसे ये वीडियो देख रहे हो मुंबई साइड से हो, थाने से अगर CSMT ट्रैवल करते हो, मुझे पता है बहुत लोग ट्रैवल करते होंगे डेली बेसिस पे ही करोड़ों से ऊपर लोग ट्रैवल करते होंगे, करोड़ों नहीं तो डेफिनेटली लाख तो होगा भाई, लाख से नीचे की तो बात ही मत कर देना मेरे से। तो गाइस तुम लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि जितना भी तुमने मतलब आज का विजुअल देखा है जैसे रेलवे स्टेशन देखे हैं क्या ऐसे रियल में होते हैं। अभी 20% की थ्रॉटल पावर लगा लेते हैं ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे सिग्नल ज़्यादा मिलने लगे। बाय बाय कुर्ला रेलवे स्टेशन। वैसे कहते यार इस स्टेशन को ना मैं अच्छी खासी 100 की स्पीड पे क्रॉस कर सकता था अगर मुझे ये सिग्नल थोड़े पहले मिले होते, बट चल कोई बात नहीं, मैं तो अपनी काम कर रहा थोड़ी सी अब स्पीड बढ़ा ही ले। बट खैर गाइस अभी भी कोई फ़ायदा नहीं है भाई स्पीड बढ़ा के, ऐसे देखो फिर से रेड एंड येलो सिग्नल है और उसके बाद फिर रेड है। आज तो ना यार तुम लोग भी कहोगे भाई तुम्हारे साथ ना ट्रेजेडी हो चुकी है, दादर का अभी स्टॉप बचा यार 5:30। चलो कोई नहीं, ऐसी हौले हौले करके भाई CSMT तक पहुँचा ही देंगे हम ट्रेन को। और बताओ वैसे गाइस बैकग्राउंड में देखो यार क्या बढ़िया वो बिल्डिंग्स लगी हैं, एंड जहाँ तक मुझे पता है ये बिल्डिंग्स रियल लाइफ में भी हैं। बट पता है इशू क्या है, अब यार मैं मुंबई से बिलोंग करता नहीं हूँ तो मुझे इन बिल्डिंग्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट अगर आप करते हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा। क्या बात है यार Web7, मुझे लग रहा है भाई की हिल गई भाई, देख रहे हो 60 के अराउंड स्पीड कवर अप कर ली है। और यहाँ पर गाइस कोई स्लो लोकल मुझे क्रॉस करते हुए, और यार फिर से मेरा रेड सिग्नल, चलो थ्रॉटल पावर गिराएं। एक काम करते हैं गाइस जीरो कर देते हैं, नहीं यार भाई देखो 2 किलोमीटर का क्लियरेंस मिला है, क्या कहते हो चलाते हैं अच्छे से। चलो यार थोड़ा सा उठा देते हैं सेवाग्राम को, बेचारी कब से क्रॉल कर रही है। तुम लोग भी कहोगे भाई आज की वीडियो में यार तुमने क्रॉलिंग करवा दी हमसे भी, मतलब तुम्हारे पैसेंजर हम बने पड़े थे बेकार में ही सेवाग्राम की हमने टिकट ले ली। बट टेंशन ना लो, ये हॉन्किंग के साथ देख रहे हो 80 मैंने टच करी है अभी, क्या कहते हो 98 करें भाई, 90 हिट कर तो दूंगा, फिर रेड सिग्नल पर जो रुकवानी पड़ेगी ना ट्रेन उसका बिल तुम्हारे नाम का फटना चाहिए, मेरे नाम का बिल नहीं फटना चाहिए भाई। क्या बात है भाई नॉन स्टॉप हॉन्किंग के साथ। गाइस ये पीछे जो भी रेलवे स्टेशन था सियोन ये शिव था, गाइस हिंदी में यार उसमें शिव लिखा है बोर्ड पर स्टेशन के,
बट इंग्लिश में सियोन लिखा है, तो ये क्या चीज़ है? इस चीज़ को ये थोड़ा सा ना तोड़ फोड़ के उसमें कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि इसको स्पेल क्या किया जाता है। गाइस चलो यार, अब मैं ब्रेक लगाने के लिए रेडी हूँ। और कुछ नहीं है भाई, तुम लोग ना अब आउटर पे ट्रेन रुकवाओगे मेरी, एज मेरा रेड सिग्नल हद से ज़्यादा क्लोज आ रहा है भाई। और ब्रेक हो गए हैं फिर तो 100% बिल तुम्हारे नाम का है भाई। मैं उन लोको पायलट, मैं कह दूंगा मुझे पैसेंजर्स ने कहा था भाई दौड़ाओ। चलो टेंशन ना लो, लोको पायलट अच्छा है तुम्हारा, सिग्नल ब्रेक नहीं होने देगा। अब भाई थोड़ा क्लोज आ रहा है, अब तो तुम्हारे एलपी को भी डर लग रहा है कि सिग्नल क्रॉस हो जाएगा भाई। एक काम करते हैं, अब यहाँ पे मेंटेन करते हैं 15 की स्पीड, नहीं यार 10 की कर लेते हैं। चलो चलो यार 10 की स्पीड करते हैं, और क्या कर सकते हैं अब इतनी। चलो यार सिग्नल मिल गया और मेरे ब्रेक्स यहाँ पे रुकने वाली साउंड करने लगे हैं, मतलब देख रहे हो ब्रेक भी इतने बढ़िया लगा दिए ना भाई ने। चलो ब्रेक्स को तो पहले हटाएं यार, ब्रेक्स हट जाओ भाई, इतनी दमदार साउंड नहीं करनी है। ट्रेन को मैं अब रोक नहीं रहा हूँ, अब मुझे वापस से उसको दौड़ाना पड़ेगा। मतलब देखो यार आज की वीडियो ना गाइस कुछ तो है भाई, रियलिस्टिक कह सकते हो, रियलिज्म कह सकते हो। एस रूट इतना शानदार है, सीनरी इतनी प्यारी है, और ट्रैफिक, ट्रैफिक की तुम लोग मेरे से बात कर रहे हो, ट्रैफिक की भाई बात ना ही करो ना तो अच्छा है। एक काम करते गाइस, अपना ट्रेन के हर्ट्स को मैं ऑफ कर देता हूँ, और स्टेशन के बोर्ड को यार ऑन रखना पड़ेगा क्या? मतलब ऊपर जैसे पता चलता है कि ये कौन सा रेलवे स्टेशन आपका पास में आ रहा है। चलो छोड़ो यार, मुझे लग नहीं रहा कि उसकी भी मुझे नीट पड़ेगी। वैसे क्या बात है यार, ट्रैक साउंड सुन रहे हो, खटा खट जो हो रही है। अब सोचो यहीं से अगर मैं हाई स्पीड पर जाता तो ओए होए होए मज़ा आ जाता। एक तो अपनी ट्रेन भी आईसीएफ की ट्रैक साउंड तो एलएचबी से भी अलग लेवल भाई। आईसीएफ ट्रैक साउंड गाइस ऐसी होती है कि नींद आ जाती है यार। मैंने एक भाई की कमेंट देखी थी, वो कह रहा था हाँ यार भाई सुला दिया था तुमने मुझे, वो तो तुमने बीच में बोल दिया कि भाई उठ जाओ, तो उठ गया मैं। तो गाइस दादर मेरा 2 किलोमीटर बाकी है, चलो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए करीब में, मतलब ऐसा समझ लो दादर के गेट पे ही खड़े हैं। अब हम खड़े तो नहीं है, खैर चल ही रहे हैं भाई। वेब 7 दादर वासियों को बता दो कि तुम्हारी सेवाग्राम आ रही है। वैसे यार ये रेलवे स्टेशन कौन सा है? अच्छा माटुंगा। हाँ सो गाइस राइट नाउ जो अपनी सेवाग्राम है वो माटुंगा रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है, और सैडली मुझे ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर क्रॉस करना पड़ रहा है, एज राजधानी अपने आगे चल रही है। मेरे पर भाई उसका कोई कंट्रोल नहीं है। राजधानी के एलपी तो सोचो यार, मैं ऐसा एलपी हूँ, मैं सेवाग्राम को इस स्पीड पर दौड़ा रहा था जबकि मेरे सिग्नल थे नहीं इतने, तो राजधानी के एलपी तो सामने लाल क्यों ना हो वो उस पर उठा देते होंगे, उनकी और हिल रही होगी कि भाई अपने आगे लोकल को लगवा दिया। अभी तक तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे डॉट लगा देते अपनी ट्रेन को, बट खैर कोई नहीं। गाइस तुम सीनरी देखो यार, ये देख रहे हो। एंड सबसे बढ़िया बात क्या है, जो अपने महाजन जी है उन्होंने रियल लाइफ का पूरा रेप्लिका बनाया है। आपका जितना भी ये मुंबई का पार्ट है ना, CSMT हो गया, मुंबई सेंट्रल हो गया, दादर का, दादर में जैसे आप रहते हो तो आप ये बिल्डिंग को पहचान सकते हो। और ये पीछे की साइड आपका जो है वो दादर का यार्ड है, और दूसरी साइड याद होगा मैं WR में जब ट्रैवल कर रहा था, जो मुंबई भागलपुर चलाई है, गरीब रथ चलाई है, वो सब आपका पीछे का पार्ट मैंने कवर किया है उसमें। गरीब रथ में तो खैर बांद्रा से निकले थे तो ये तो आया नहीं होगा दादर का, बट दादर वेस्ट आपका राइट हैंड साइड में हुआ, ये डेफिनेटली आपका दादर सेंट्रल है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कोई ट्रेन भी खड़ी है। चलो यार दादर में एंट्री ऑलमोस्ट हो ही गई अपनी फिर तो। भाई दादर वासियों अगर तुम इस ट्रेन में बैठे हो यहीं पर आप उतर जाओ, चाहो तो CSMT तक साथ चल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो भाई यहाँ पे अब ब्रेक लगाता हूँ यार मैं थोड़ा सा, और वैसे कहा 0.5 किलोमीटर दूर है यार, मेरे लोगों ने तो एंट्री कर दी है प्लेटफॉर्म में, बट कोचेस डेफिनेटली बहुत दूर हैं यार अभी। एक तो गाइस रूट इतना हैवी है, इतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, ऊपर से मेरा ट्रैफिक तुम लोगों को पता है मैं कितना ज़्यादा लगाता हूँ, तो भाई मेरा FPS ना अभी डेफिनेटली 30 या 40 हिट कर रहा होगा। ये देखो 35 लगा था भाई, अब तो ना मतलब ऐसा सीन हो गया मैं फ्रेम देख के बता सकता हूँ कि मेरा FPS क्या चल रहा होगा। वैसे गाइस एक चीज़ देखो यार, दादर रेलवे स्टेशन पर जब अपनी ट्रेन एंट्री कर रही है ना, तो जो मेरा सिग्नल है मेन लाइन का वो येलो हो रखा है, वो रेड नहीं है, और ऐसा क्यों है ये मुझे भी नहीं पता यार। ऐसा जहाँ तक है जो मेरा ओपन रेल्स है वो ये चीज़ सपोर्ट करता है कि अगर किसी स्टेशन पे मेरा स्टॉप है तो उस स्टेशन का जो मेन लाइन का सिग्नल होता है या उस लाइन पे जिस भी लाइन पे मेरा स्टॉप है उस पर रेड सिग्नल होना ही चाहिए, बट यहाँ दादर पे ऐसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अपनी ट्रेन को मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ पहले। क्या बात है यार, 3 मीटर की दूरी मेंटेन करी है मैंने सिग्नल से, और जो मेरा टाइम मुझे दिया गया है दादर से निकलने का यार यहाँ पे 3 मिनट का हॉल्ट, बस क्या कहते हो बनता है यार? रियल लाइफ में बनता है, क्योंकि सभी को पता होगा दादर जिस हिसाब से है रियल लाइफ में, वहाँ पे कितने लोग रोज़ जाते हैं, उतरते हैं ट्रेन से, चढ़ते हैं, तो 3 मिनट का हॉल्ट बनता है। ये भाई अपना नॉर्मल
अपनी साइड के स्टॉप नहीं है भाई, जहाँ एक मिनट में काम हो जाता हो। तो चलो गाइस, तुम लोग को ज्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा, ये दो मिनट चुटकियों में निकालते हैं। सो गाइस, अब ऑलमोस्ट बाकी है अपना 27 सेकंड, मतलब 27 सेकंड बाकी है अपना यहाँ से डिपार्चर में। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो यार हॉर्न बजा देता हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरा 1 सेकंड होगा मैं फिर डिपार्ट कर सकता हूँ, मुझे हॉर्न के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो 3 मिनट काफ़ी होता है यार, सब उतर गए होंगे, चढ़ गए होंगे। वैसे यार दादर से CSMT मेल एक्सप्रेस में कोई कौन ही जा रहा होगा, लोकल ट्रेन में सब चढ़ के जा रहे होंगे। खैर, जिस हिसाब की भीड़ होती है आपके सबर्बन सेक्शन में, डेफिनेटली कोई अपनी ट्रेन में भी चढ़ा होगा। कहीं तुम लोगों में से तो कोई एक नहीं है ना भाई, टिकट दिखा देना, वरना मेरा कुछ नहीं है, TTE आके पकड़ लेगा। वैसे एक चीज़ पता है, यहाँ पे अच्छी हो गई अपनी, देखो अगर मैंने 3 मिनट का हॉल्ट लिया है ना दादर पे, तो मेरा क्लियरेंस देखो वापस से 4 किलोमीटर का मेरा क्लियरेंस मिला है। मतलब ये है कि जो हमारी राजधानी है वो कहीं ना कहीं CSMT के पास में पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट। यार गाइस, एक तो एक इशू है, अभी देखो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नेम है रेलवे स्टेशन का, तो वो कितना बड़ा है। जो हमारी नेक्स्ट स्टेशन की विंडो है उसमें भी हमारे जो महाजन जी है उन्होंने उसका पूरा नाम लिखा है। अब टर्मिनस जो है डिस्टेंस के ना यार ऊपर ओवरलैप कर रहा है उसका नाम, तो इस चीज़ को थोड़ा सा फिक्स करवाते हैं, टर्मिनस के आगे डॉट लगवा देंगे, जिससे जो हमारा डिस्टेंस है CSMT का वो हमें क्लियरली विजिबल हो। अच्छा, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही ये 8.5 किलोमीटर है या फिर 6 किलोमीटर है, जहाँ तक है वो मुझे 8 ही लग रहा है। क्या कहते हो, दादर से CSMT कितना है? 8 है, 8.5 है रियल लाइफ में, बताओ यार। ऐसे मुझे नहीं पता यार सच में। और वैसे अभी तुम लोग देख सकते हो राइट साइड में आपका दादर का फिर से यार्ड। एक तो यार यहाँ पे यार्ड में ना इतनी ट्रेन्स खड़ी होती है ना गाइस रियल लाइफ में, अगर तुम लोग देखोगे अपने गेम में, तो खैर मैंने तुम लोगों को दिखा दिए जैसे तैसे करके, और ये भी बहुत कम है। अब सोचो अगर इतनी पे लगाने पे मेरा FPS 35 वेट कर रहा है, अगर मैं रियल लाइफ वाली जैसे ट्रैफिक होता है ना बहुत ही गंदा वाला यार्ड में वैसे अगर ऐड कर दूँ तो भाई कहाँ जाए मेरा FPS, भाई 15-20 के नीचे तो बात ही नहीं करेगा। वैसे ये कौन सा रेलवे स्टेशन है यार, इसका तो कुछ बोर्ड भी नहीं है। ओ भाई ये देखो यार, कोई VAP 7 किसी ट्रेन के साथ, ये 100 मेंटेन करता है भाई। और कौन सी ट्रेन है यार, पूरे AC कोचेज हैं। ओ भाई ये क्या है भाई, ये 100 मेंटेन कर रहा है, 110 मेंटेन कर रहा है। वो भाई उसने तो अलग ही लेवल स्टेरॉइड्स ले रखे हैं, वो भाई स्टेरॉइड पे VAP 7 AC ट्रेन के साथ पता नहीं 100-110 मेंटेन कर रहा है भाई, और दादर की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है दादर पे भी स्टॉप नहीं है। ऐसी कौन सी ट्रेन होगी यार जो CSMT से निकलती हो, AC ट्रेन हो और दादर पे नहीं रुक रही है, तुम लोगों को पता है क्या? और VAP 7 के साथ जा रही थी, बताओ तो बताना। एंड गाइस राइट नाउ जो मेरी ट्रेन है यहाँ पे, ये किसी लोकल ट्रेन के साथ भाई यहाँ पे फिर से पैरेलल रेस अपनी शुरू है, अगर मैं इसकी बात ना करूँ तो बढ़िया है। ओ भाई VAP 7 नहीं यार, यहाँ पे अपनी इज्जत डाउन हो रही है, लोकल ट्रेन स्पीड बढ़ा रही थी। वापस से चल 100% थ्रॉटल पावर लगाते हैं यार, इसको मैं पीछे करूँगा, ऐसी थोड़ी ना भाई मुझे ओवरटेक करके चली जाएगी। भाई फाइनली यार गाइस, सोचो जब से मैंने सेवाग्राम एक्सप्रेस एक्टिविटी अपनी शुरू की है, आज की वीडियो थाने से निकले थे तब जाके अपने को 100 का थोड़ा रन मिला था, बट फाइनली अब जाके मिला है कुछ रन अच्छा सा, वरना दादर से पहले क्या क्रॉलिंग कर रहे थे यार। तो चलो गाइस एक काम करते हैं, अब स्पीड तो नहीं, मतलब स्पीड तो मेरी मेंटेन होती रहेगी, अब मैं अपनी थ्रॉटल पावर को 30% लगा देता हूँ। और भाई VAP 7 ऑन करके अपनी CSMT की तरफ भाई बढ़ता रहे। आई थिंक 5.5 किलोमीटर अपना डिस्टेंस बाकी है। वैसे एक से देखो यार क्या रफ्तार पे यार मैं उसको पीछे करके आया हूँ लोकल ट्रेन को, देख रहे हो? और ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? चिंचपोकली था ना, मैंने सही पढ़ा ना? ये गाइस यार इन रेलवे स्टेशन के नाम पे यार तुम लोग स्पेल कर सकते हो, मेरे से हो ही नहीं पा रही। मेरे यार दो स्टेशन ना ठीक से पढ़े नहीं जाते हैं, एक तो थोड़े महाराष्ट्र की साइड जो होते हैं और दूसरा जो साउथ इंडियन की साइड होते हैं। अच्छा यहाँ भी सेंटर था यार, यहाँ भी यार्ड है सोचो, और बिल्डिंग्स देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं। मैं इन बिल्डिंग्स को जानता ही नहीं हूँ, मैं अपनी ट्रेन को ऑपरेट कर रहा हूँ। और राइट नाउ गाइस फिर से मेरी ट्रेन किसी स्टेशन को क्रॉस कर रही है, बताओ यार इतने से डिस्टेंस में इतने स्टेशन, भाई खला भाई भाई की। सो गाइस राइट नाउ अपनी सेवाग्राम ने भाई खला स्टेशन को अराउंड 90 क्रॉस कर दिया है, बहुत शानदार स्पीड है यार, ऐसी स्पीड मेंटेन कर रही है ना भाई अपनी सेवाग्राम, नहीं तो रेल में भी मेंटेन नहीं कर पाती होगी भाई। तो गाइस देखो यार ऑलमोस्ट मेरा CSMT पास आ रहा है और मैं स्टिल जो है 90 अराउंड चला आ रहा हूँ। मुझे पता है मुझे थोड़ा स्लो कर लेनी चाहिए ट्रेन को, पर टेंशन ना लो, मैं सोच रहा हूँ अगर वीडियो एंडिंग फेज पे आ ही रही है। ओ भाई यहाँ सोचो यार ये वॉल है और इसके साइड से ही मैं अपनी ट्रेन को 100 के अराउंड दौड़ा रहा हूँ, क्या यहाँ पे विजुअल रहेंगे यार। वैसे देखो लेफ्ट साइड में यहाँ भी कोई यार्ड है, एंड ये यार्ड डेफिनेटली का CSMT का है। जितनी भी आपकी जो मेन लाइन की सर्विसेज होती हैं, मेल एक्सप्रेस हो गई या सुपरफास्ट ट्रेन्स हो गई,
या प्रीमियम ट्रेन हुई जितनी भी CSMT से चलती हैं उनको यहाँ पे रुकवाया जाता है अगर वो सर्विस में नहीं है। और ये पीछे शायद वॉशिंग लाइन है, ये अभी आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में। एंड राइट नाउ मेरी ट्रेन यार कौन से स्टेशन को क्रॉस कर रही है गजर, इस स्टेशन का तो बोर्ड ही नहीं दिख रहा है मेरे को। बट खैर पहले तो यार मैं ट्रेन को स्लो करता हूँ। क्या रियल लग रहा है यार, क्या रियलिस्टिक लग रहा है। ओ भाई ही तुम देखो भाई, क्या ही ऑब्जेक्ट लगाए अपने गुरु ने। यार गुरु ने क्या काम किया, देख रहे हो ये होता है यार रोड। तुम लोग भी कहोगे भाई क्या दिखा दिया यार आज की वीडियो में। ओ भाई ऊपर देखो यार कोई ट्रेन जा रही है। अच्छा गैस ये जो हुई ना आपकी हार्बर लाइन हुई जहाँ तक मुझे पता है। क्या बात है यार, एंट्री बहुत सही मारी है हमने CSMT के आउटर पे, मतलब हार्बर लाइन पे। जैसे ट्रेन्स जैसी CSMT से निकलती हैं तो जो ऊपर चली जाती हैं, अच्छे टाइम पे मैंने एंट्री मार दी यार, मुझे यहाँ पे क्रॉसिंग मिल गई। बट खैर अपना आगे रेड सिग्नल है तो भाई इसीलिए मैं क्रॉल कर रहा हूँ। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई इतना स्लो क्यों जा रहे हो, मेरा सिग्नल देखो यार रेड है यहाँ पे, तो कुछ नहीं कर सकता मैं उसमें। एक तो भाई CSMT पे पता क्या होगा, अभी देखो जैसे राजधानी मेरे आगे चल रही थी तो राजधानी को भी यार रुकवाना पड़ेगा, मतलब रुकवाना इन द सेंस वो अपनी डेस्टिनेशन पे आ चुकी है, अब वो किस प्लेटफॉर्म पे लगी हो, मुझे किस प्लेटफॉर्म पे लगवाया जाएगा, तो इस चीज़ को भी देखना है। तो एक दो मिनट यहाँ पे मेरी ट्रेन रुकेगी आउटर पे, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी CSMT पे। बट क्या टेंशन ना लो, तुमको मैं एक दो मिनट नहीं रुकाऊंगा यार। अब स्पीड को मैं स्लो करता हूँ, बहुत ज़्यादा करीब आ गया हूँ सिग्नल के। यार Web7 अब इतना भी स्लो नहीं होना यार कि ट्रेन अपनी यहीं पे रुक जाए। यार आगे से कोई ट्रेन आती हुई मुझे दिख रही है या तुम लोगों को भी दिख रही है? ऑब्वियसली यार अगर मुझे दिख रही है तो उनको भी दिख ही रही होगी ना, मैं भी क्या बोलता हूँ। गैस तुम्हें नहीं लग रहा मैंने थोड़ा सिग्नल से पहले ही रोक दिया है? अरे यार मैं आज गैस रात को वीडियो बना रहा हूँ ना, और अभी भी यार मैंने नींद ठीक से ली नहीं है, तो मेरा ना थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा। एक तो आज का ट्रैफिक इतना गंदा था मैं क्या बताऊँ, हर एक दो मिनट में कोई ट्रेन थी, कभी इधर मुड़ो तो ट्रेन, कभी राइट जाओ तो ट्रेन, हर जगह भाई ट्रेन ही थी। जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं वो भी ट्रेन थी। और बताओ, अच्छा ये लखनऊ शेड का WDM3 है भाई, पता नहीं गाइस किस ट्रेन के साथ ये CSMT से बाहर आ रहा है। देखो क्या शानदार लग रहा है। अच्छा सिग्नल से अब भाई 10 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, ये भी नहीं कि भाई एकदम से ना सिग्नल को जाके झप्पी करते हैं हम, ऐसा भी नहीं हो रहा भाई। गाइस एक मिनट, एक चीज़ देखो, अगर ये ट्रेन CSMT से बाहर आ रही है तो मे भी ऐसा हो सकता है ये जिस प्लेटफॉर्म पर लगी थी उस प्लेटफॉर्म पर हमको लगवाया जाए, क्या कहते हो? ये मेरी थियरी यहाँ पे सही है? तुम कह रहे हो कि भाई कॉलेज में भी थियरी है और इधर भी थियरी है, कहीं तो छोड़ दो यार थियरी से अपने को। चलो छोड़ देता हूँ, बट तब जब मेरा सिग्नल मिलेगा, सिग्नल मिले तो तब पता चलेगा कौन से प्लेटफॉर्म पर जा रहा हूँ, वरना मेरी थियरी सही है। अब मुझे इसके मार्क्स दो भाई, क्या कहते हो कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, गेस करो। चलो छोड़ो यार मत करो, तुम कहीं ना इधर उधर देख के बता रहे होगे। भाई क्या बात है यार, देख रहे हो क्या बढ़िया सीन दे रहे हैं अपना गेम राइट नाउ। अरे यार एक मिनट, मेरे Web7 के ये वाला डोर ओपन है, तब तो मेरे पीछे वाले डोर भी ओपन होंगे। अरे यार मैंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गाइस। देखो जो मेरा Web7 है उसके जो पीछे वाले डोर हैं वो ओपन हो रखे हैं। वॉल कैसी हो रखी है भाई, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा चलो सिग्नल देखो मिल चुका है। नहीं यार मेरे को लेफ्ट हैंड साइड का सिग्नल मिला है, तो चलो यहाँ पे हॉर्न बजाता हूँ पहले, तो बाय बाय करते हैं ये जो भी ट्रेन थी। वैसे गाइस कोई सुपर फास्ट या नॉर्मल मेल एक्सप्रेस है ये, आपने देखा इसमें स्लीपर और जनरल कोचेस भी थे, मतलब हैं है या हैं नहीं हैं, क्योंकि अभी एक आगे भी आ रहा है। तो चल भाई सेवाग्राम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अब एंट्री करते हैं CSMT में। एक तो यार आज के ना विजुअल ऐसे ऐसे हैं मैं क्या बताऊं। एंड गाइस विजुअल की बात तो ठीक है, वो जब हार्बर लाइन तुमने देखा जो हार्बर लाइन थी, अच्छा यहाँ से एक और EMU ट्रेन जा रही है, जो हार्बर लाइन थी जो उसका ब्रिज था ना उसके नीचे की जो लाइटनिंग थी जो शेडो थी जिस हिसाब की, वो एक अलग ही लेवल थी यार, वो मुझे अलग ही वाइब्स दे रही थी कि मैं किसी एक्चुअल ट्रेन में बैठा हूँ। ये लोकल ट्रेन अराइव कर रही है या निकल रही है यहाँ से? आई थिंक गाइस डिपार्ट कर रही है, थोड़ा पहले कर लेती तो उस ट्रेन के साथ यार इसका पैरेलल एक्शन हो जाता। एंड गाइस देखो यार आगे मेरी 15 की लिमिट है, तो मैं एक काम करता हूँ थ्रॉटल पावर अपनी 15% लगा देता हूँ। यार आज की वीडियो में ना थोड़ा क्रॉलिंग ज़्यादा हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, बाय बाय LHB ट्रेन। अच्छा तुम लोगों ने पहले ठीक से नहीं देखा होगा, मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में तो मैं लोकल ट्रेन दिख रही है, ये भाई पूरा ऊपर को होती हुई जाएगी हार्बर लाइन पे। एंड गाइस मेरे एक भाई ने बताया कि जो हार्बर लाइन है ना उस पर आपको पुरानी EMUs देखने के लिए मिल जाती हैं, तो मैंने क्या करा इस लाइन पे थोड़ी पुरानी लुक वाली EMU ट्रेन्स को चलवाया। भाई ट्रैफिक देखो यार क्या शानदार लग रहा है मेरी जान, मतलब हाँ आज की वीडियो हम कह सकते हैं मुंबई में एंट्री मार रहा हूँ, मुंबई मेरी जान ऑलरेडी हो ही रखा है वीडियो में, बस कहीं ना कहीं यार FPS गाइस हद से ज़्यादा डाउन होगा। अगर मैं चेक करता हूँ तो कितना कहते हो,
कितना हो सकता है? चलो 25 से 30 की हम यहाँ पे बैट लगाते हैं, क्या कहते हो? देखो 24, अरे यार एक डिजिट से रह गया, चलो कोई नहीं। बट भाई ये अच्छी बात नहीं है अगर मैं यहाँ पे सही हूँ तो। 24 FPS, क्या बात कर रहे हो यार। बट खैर गाइस कोई नहीं, फ्यूचर में जब मैं अपनी जो PC है उसको और ज़्यादा अपग्रेड कर दूंगा और ज़्यादा बेटर जो है ग्राफिक्स कार्ड होगा, प्रोसेसर होगा, तो यही सेम FPS आपको 60-70 पे दिख जाएगा। अब यार इतना शानदार रूट मिला है अपने को देखने के लिए और उसको अपनी तरफ से अगर और रियलिस्टिक दिखाना है तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस होगा अभी, बट फ्यूचर में और बढ़िया जो है नज़ारे देखने मिलेंगे अपने को। बट तो क्या कहते हो? सो गाइस देखो यार सेवाग्राम की ऑलमोस्ट मैंने एंट्री करवा दिया, कहाँ पे? CSMT में। बताओ यार आज का सफ़र कैसा लगा सभी को? और देखो मुझे पता है कि मैंने हाई स्पीड ज़्यादा नहीं रखा, इसमें कहाँ कर लेता यार, CSMT में एंट्री मार रहा हूँ, वहाँ भी मेरी 15 की स्पीड लिमिट है। अब तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पे 100 दौड़ाऊँ? दौड़ा तो मैं अभी भी दूंगा, बट मुंबई वाले और CSMT का जो भी भाई स्टेशन मास्टर है पकड़ के ना पीट देंगे मेरे को कि भाई जहाँ इतनी ट्रेन्स चलती हैं वहाँ रोज़ जो है मेंटेनेंस होती है ट्रैक की, तुम वहाँ भी 15 की लिमिट में 30 जा रहे हो। मुझे लगता है यहाँ के LP जो 15 की स्पीड लिमिट है उस पर भी 10 करते होंगे कि भाई बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का अपने को। क्या बात है यार, एंट्री देख रहे हो क्या दमदार हो रही है। वैसे गाइस एक चीज़ और, वैसे क्या बात है, अपना नेशनल फ्लैग देखो क्या शानदार लग रहा है। एक चीज़ और, सामने देख रहे हो जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की मैंने तुम लोगों को बताया होगा जो बिल्डिंग है, स्टेशन बिल्डिंग कितनी शानदार है रियल लाइफ में, उसका भी रेप्लिका अपने महाजन जी ने रूट में दिखाया। तुम सामने देखो यार एक बार, दिख रही है बिल्डिंग? अरे यार कितना लंबा प्लेटफॉर्म है। एक तो गाइस 24 कोचर गाड़ी है यार। वैसे गाइस मैं ये चीज़ पता करना भूल गया यार, 24 कोचर है? नहीं चलो कोई नहीं, तुम लोगों ने बताया होगा, देखता हूँ। भाई Web 7 भी कह रहा होगा कि इतना लंबा प्लेटफॉर्म उसमें भी 15 की स्पीड मेरे को मेंटेन कर पा रहा है भाई। सो गाइस बताओ यार आज की वीडियो सभी को कैसी लगी होगी? आज की वीडियो मैं इतनी कर सकता हूँ, इससे आगे नहीं जाऊँगा भाई। CSMT लास्ट स्टेशन है इन ट्रेन्स के लिए, आई थिंक लोकल ट्रेन्स का भी ये लास्ट स्टेशन होता है। अब तुम क्या कहते हो कि आगे तोड़ के निकल जाएं? भाई तोड़ के जाएंगे ना, आगे ओशियन है, जहाँ तक है ओशियन में ट्रेन को नहीं चलवा सकता मैं, ये वो वाला चैनल नहीं है। सो गाइस लाइक कर सकते हो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो, बट खैर वो सब ठीक है, मैं पहले अपनी ट्रेन को ना रोकने की तैयारी करता हूँ। पता चला तुम लोगों से बात करते करते मैं अपनी ट्रेन को आगे लगा दिया। वैसे देखो तुम लोगों से बात करते करते ये 15 की स्पीड मेंटेन करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी यहाँ पे राजधानी साइड में खड़ी है। आपको याद होगा राजधानी को थाने पे हमसे पहले निकलवाया गया था और वो हमको यहाँ पे मिल चुकी है। कहाँ पे? CSMT पे। ऑब्वियसली हर CSMT में हमें मिलती ट्रेन, CSMT पे जा रही है तो वो वहीं मिलेगी ना। तुम क्या कह रहे हो मुंबई सेंट्रल पहुँच जाएगी? नहीं यार। सो गाइस CSMT पे मेरा फाइनल एंट्री हो चुकी है, चलो थोड़ा सा तुम्हें आगे चल के दिखाता हूँ फाइनल लेग ऑफ द जर्नी। CSMT पे एंट्री, अपना टाटा स्टील Web 7 और ये कौन सा BRC शेड का Web 7। ओ भाई इतना तगड़ा ऑफलाइन, क्या बात है, और फ्रंट पेंटो ऑन है भाई। तो गाइस चलो यार अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग माई वीडियोस, आई होप सभी ने एंजॉय किया हो मेरे साथ। अपना ध्यान रखो, मेरी वीडियोस देखते रहो, आई विल सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो नाउ। अब मैं तुम सभी से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।